हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मोहिनी डिलीशियस फूड में। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पकौड़ा, वो भी बिल्कुल देसी तरीके से, जो आपको आने वाले हैं बहुत पसंद। जब आपको कुछ चटपटा खाने का मन करे या बच्चों के टिफिन में आपको कुछ अच्छा बनाना है, तो आप ब्रेड पकौड़ा को 10 मिनट में बना कर रेडी कर सकते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है, अगर आपके घर में कोई भी छोटा सा फंक्शन हो तो आप कम समय में ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा डिशेस बना सकते हैं। ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए हमने बहुत ही कम सामान का यूज़ किया है। कभी क्या होता है कि अगर हम जैसे बाहर कहीं पढ़ने गए तो हमारा कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो हमारे पास ज़्यादा सामान अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने कम सामान में बहुत ही अच्छा नाश्ता बनाकर तैयार किया है। बनाने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। हमने लिए 3 आलू, ये वेट में 500 ग्राम है। सबसे पहले हमने इसको बॉईल किया था, फिर हमने इसको छील लिया है। अब हम इसको करेंगे मैश। आप चाहो तो मैशर का भी यूज़ कर सकते हो। हमने इसको किया हाथ से मैश। हमें इसको अच्छे से मैश कर लेना है, कहीं भी आलू बड़ा नहीं रह जाए। आलूओं को हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब हम लेंगे फैन को। पैन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा, मैश किए हुए आलू। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे मसाले। मसाले में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। आलू में हमें मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे फ्राई करते रहना है। साथ ही हम ऐड करेंगे मटर, इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है साथ में। हमारे जो आलू अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में। हम थोड़ी देर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने ले लिया एक बाउल। बाउल में हम ऐड करेंगे 1 कटोरी बेसन। बेसन हमारा वेट में 100 ग्राम है। ऐड करेंगे मसाले, धनिया, लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी पानी। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारे जो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं और जो हमारा जो घोल है बनके रेडी हो जाए। 1 चम्मच से हम घोल को चेक करेंगे कि ये बिल्कुल परफेक्ट बना है कि नहीं। हमारा जो घोल है बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो गया। आपको ना ही ज़्यादा पतला रखना है ना ही मोटा रखना है। अब ले लिए कुछ ब्रेड। ब्रेड में से हमने 2 ब्रेड ले लिए हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे आलू वाला मसाला। आपको भी कुछ इसी तरीके से लगाने हैं आलूओं को। सारे आलू लग के एक ब्रेड पर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे दूसरा ब्रेड। चाकू से हम इसे बीच में से काट लेंगे, कुछ इस तरीके से, और आपको भी इसी तरीके से काटना है। हमारे जो 2 ब्रेड पकौड़ा है बन के रेडी हो चुके हैं। इसी तरीके से हमने सारे रेडी कर लिए हैं, आपको भी इसी तरीके से रेडी करना है। अब हम लेंगे एक फैन को। फैन में ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल में हमने रिफाइंड लिया है, आप कोई भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तैयार किए हुए ब्रेड को बेसन में डिप करेंगे दोनों साइड से। कढ़ाई का तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ब्रेड को सेक लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे ब्रेड को डिप करेंगे, इसको भी हम कढ़ाई में सेक लेंगे। दोनों को हमें तब तक नहीं पलटना है तो सिक ना जाए। एक साइड हमारा अच्छे से सिक चुका है, हम इसको पलट देंगे। दूसरे वाले को भी हमें इसी तरीके से पलट लेना है। तो अच्छे से फ्राई होने देना है। हमारे जो ब्रेड पकौड़े हैं बन के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और बचे हुए ब्रेड पकौड़ों को भी हम कुछ इसी तरीके से सेक लेंगे।
आप देख सकते हैं हमारा जो पकौड़ा बन के रेडी हो चुका है। अब इसको काट के दिखाएंगे। जितना ये ऊपर से अच्छा सिका है उतना ही अंदर से भी बिल्कुल अच्छा सिक के रेडी हो चुका है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बना है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें। आपके बच्चों को फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। पकौड़ों के साथ हमने सॉस को भी बिल्कुल घर पे बनाया है। अगर आपको सॉस की रेसिपी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप उसकी रेसिपी देंगे। आपको हमारे पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी या नहीं लगी। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स फैमिली में। हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमें पता पड़ता है कि आप हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारी रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर हम आपके लिए ऐसी नई नई तरीके की मज़ेदार रेसिपी लाते रहेंगे। कल फिर मुलाकात होगी एक मज़ेदार रेसिपी के साथ, जो होगी बिल्कुल अनोखी। तब तक अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। नमस्ते।